तीन पीढ़ी बाद 32 मुस्लिमों की घर वापसी, तो 56 वर्ष बाद 250 ईसाई सनातन धर्म में लौटे, ये खबर सामने आई है मध्य प्रदेश से, जहां के झाबुआ जिले में 250 ईसाइयों और रतलाम जिले में 32 मुस्लिमों ने सनातन धर्म में वापसी की है। झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र के गुलरीपाड़ा गांव में 250 लोगों ने ईसाई मत छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की है, जबकि रतलाम जिले के आंबा गांव में 7 मुस्लिम परिवारों के 32 लोगों ने शिव मंदिर में पूजा के बाद पुनः हिंदू धर्म अपनाया। उनका कहना है कि बीते वर्षों में किसी कारण से उन्होंने मतांतरण किया था, लेकिन अब घर वापसी सुखद अनुभूति है। सनातन धर्म अपनाने वालों का कहना है, ऐसा कर उन्होंने ईसाई बनने की 56 साल पुरानी भूल सुधारी है। आपको बता दें कि बदलाव की ये पहल पंडित कमल किशोर नागर के धर्म जागरण अभियान के कारण संभव हो पाई है। इसी तरह सनातन धर्म में लौटने वाले मुस्लिमों ने शुक्रवार सुबह रतलाम के आंबा गांव में भीमनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। स्वामी आनंदगिरी महाराज की मौजूदगी में सभी ने पूजा अर्चना की। वर्षों से घुमंतू रहकर जड़ी बूटियां बेचने वाले 55 वर्षीय मोहम्मद शाह और उनके परिवार और रिश्तेदारों ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद शुक्रवार सुबह पूजा अर्चना कर हर हर महादेव के जय घोष लगाई। मोहम्मद शाह अब राम सिंह के नाम से पहचाने जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनकी तीन पीढ़ियां इस्लाम को मानती आ रही है, उनका पुश्तैनी काम जड़ी बूटियां बेचना रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में रहने के दौरान हिंदू धर्म में ध्यान बढ़ा और महाशिव पुराण कथा में स्वामी जी से चर्चा की, तो उन्होंने भी सकारात्मक रुख दिखाया। अब घर वापसी के बाद उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी हिंदू नाम दे दिया गया है। वहीं इस पर डॉक्टर प्रवीण हावड़ ने बताया कि साल 1966 में अकाल पड़ा था, भुखमरी जोरों पर थी। उस समय गांव में मतांतरण हुआ था। मजबूरी के बीच शुरू हुए मतांतरण के दुष्चक्र को तोड़ने के प्रयास निरंतर चल रहे थे। गुरलीपाड़ा वही गांव है जहां 1998 में सेवा भारती के रामरथ को घुसने से रोका गया था। अब यहां के युवा घर वापसी कर रही हैं। वहीं इस पर ग्रामीण रुमाल सिंह ढांगी, रघु वसुनिया, प्रेम वसुनिया और पप्पू वसुनिया ने कहा कि उनके साथ 250 ग्रामीणों ने पुनः सनातन धर्म अपनाया है, जड़ों की ओर लौटना सुखद है।